दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक दिन की खामोशी के बाद आज यानी कि बुधवार को पुनः BHU लैब से आई रिपोर्ट में कुल 8 नए लोगों के सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं कोरोना के। बता दें कि वाराणसी जिला प्रशासन के अनुसार BHU से आज 10 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है। इनमें से 2 लोग तो जौनपुर के हैं लेकिन बाकी 8 वाराणसी के ही हैं। बता दें कि प्रशासन के अनुसार आज वाराणसी में मिले 8 पॉजिटिव केस में से 6 प्रवासी मजदूर हैं। इसके अलावा जो 2 लोग हैं उसमें से एक पुलिसकर्मी व एक कंपाउंडर है। बता दें कि BHU लैब से कुल प्राप्त 121 सैंपल के परिणाम आए थे जिसमें से 111 परिणाम नेगेटिव व 10 के परिणाम पॉजिटिव आए हैं। और अब बात करते हैं आज के सारे मरीजों के बारे में विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं आज के प्रवासी मरीजों की। बता दें कि 6 प्रवासी मरीजों में से एक 25 वर्षीय महिला है जो ग्राम सिसवा थाना कपसेठी की निवासी है। बता दें कि यह मरीज सिसवा हॉटस्पॉट्स में पूर्व पॉजिटिव में आए हुए 1 वर्षीय बच्चे की मां है और ये लोग ट्रक द्वारा मुंबई से वाराणसी वापस आए थे। अब बात करते हैं आज के दूसरे मरीज की जो कि हैं 36 वर्षीय प्रवासी मरीज ग्राम रतनपुर थाना फूलपुर के निवासी। मुंबई से ये भी ट्रक द्वारा ही वापस आए थे और मुंबई में यह कपड़ा मिल में काम करते हैं। और अब बात करते हैं आज के तीसरे मरीज जो कि 30 वर्षीय प्रवासी मरीज हैं ग्राम रतनपुर थाना फूलपुर के निवासी। यह मरीज भी मुंबई से ट्रक द्वारा ही वापस आए थे और ये बता दें कि पूर्व में रतनपुर हॉटस्पॉट में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के साथ ही आए थे और मुंबई में यह ऑटो चलाते हैं। अब बात करते हैं आज के चौथे मरीज जो कि हैं 58 वर्षीय ग्राम माधोपुर थाना बड़ा गांव का रहने वाले और ये भिवंडी से ट्रक द्वारा वाराणसी आए थे। भिवंडी में ये एक पावर लूम में काम करते हैं। और 26 वर्षीय आज के पांचवें मरीज हरतीरथ थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। मुंबई से यह ट्रेन द्वारा वाराणसी वापस आए थे और मुंबई में इनकी अपनी पान की दुकान है। और अब बात करते हैं आज के आखिरी छठवें प्रवासी के बारे में जो कि 50 वर्षीय मरीज हैं ग्राम पहाड़ी थाना चोलापुर के निवासी और ये मुंबई से कार द्वारा वाराणसी वापस आए थे और ये मुंबई में कपड़ा सिलाई का काम करते हैं। आज के 6 प्रवासी मरीजों के अलावा जो 7वां मरीज है वो 34 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल हैं जो कि पुलिस लाइन में आरक्षी हैं। CO सदर के हमराह में सैंपल का परिणाम पॉजिटिव आने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के तहत इनको भी क्वारंटीन किया गया था। और अब बात करते हैं आज के आखिरी एवं 8वें मरीज की जो है 25 वर्षीय नई पोखरी रमाकांत नगर थाना सिगरा के निवासी। यह मरीज एक कंपाउंडर हैं। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज गुड़ चीनी व्यापारी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से संबंधित हैं यह व्यक्ति। बता दें कि यह कंपाउंडर जो मरीज अब नया बना है ये गुड़ व्यापारी जो पुराना मरीज है उसके घर पर इंजेक्शन लगाने जाया करता था। वहीं दूसरी ओर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में भर्ती 5 एवं BHU सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की फॉलोअप सैंपल का परिणाम निगेटिव आने के कारण उन्हें स्वस्थ घोषित कर आज डिस्चार्ज भी किया गया है। डिस्चार्ज हुए मरीजों में एक AD ऑफिस का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है व एक चुप्पेपुर हॉटस्पॉट से संबंधित पुलिस कर्मी है, एक नरिया हॉटस्पॉट में पॉजिटिव आए मरीज का किरायेदार है और 4 प्रवासी नागरिक हैं जिनका संबंध हरदासीपुर छितौना उमराहा बराई हॉटस्पॉट से है। और आपको बता दें कि आज नए पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद वाराणसी जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर हो गई है 160 और इसमें से 90 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या है 66। वहीं जनपद में आज कुल 178 सैंपल भी लिए गए हैं और आज अब तक 5156 सैंपल लिए जा चुके हैं वाराणसी जनपद में जिसमें से 4734 का परिणाम प्राप्त हो चुका है। वहीं 422 सैंपल का परिणाम अभी आना शेष है। प्राप्त परिणामों में 160 पॉजिटिव व 4574 नेगेटिव परिणाम प्राप्त हो चुके हैं। और आज के नए केसेस मिलने के बाद बता दें कि नई पोखरी थाना सिगरा एवं पराडी थाना चोलापुर नए हॉटस्पॉट बनेंगे। हरतीरथ हॉटस्पॉट ग्रीन जोन से पुनः वापस आज रेड जोन में आ गया है।
इनको मिलाकर जनपद में आज हॉटस्पॉट की संख्या अब बढ़कर हो गई है 80, जिसमें से लल्लापुरा एवं मदनपुरा जो कि आज ग्रीन जोन में आ गए हैं उनको मिलाते हुए कुल 23 हॉटस्पॉट अब तक ग्रीन जोन में भी आ चुके हैं। हॉटस्पॉट की संख्या अब है 47 जो कि एक्टिव हैं और उनमें से 9 ऑरेंज जोन में हैं और एवं जो बचे हुए हैं वो 48 वो रेड जोन में ही हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी एवं सूचनाएं आपको पसंद आई हो या फिर आपके उपयोग में लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही इस चैनल के वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा और साथ ही अपने सूचनाओं को जो अभी आपने पाया है वो अपने अन्य दोस्तों के साथ साझा करने लायक लगे तो जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।